ताली से, और ताली बजाने से एक रोग की दवा है ताली। अगर जो प्रति तुम तो नहीं बजाए पे तो भाई मिट्टी जी गद्दी में लिखो, तो अगर गद्दी में लिख लिया वो अगर ताली बजाओगे तो मिट जाएगा। ताली बजाने की एक रोग की दवा, जो प्रतिदिन एक घंटे ताली बजाता है उसे कभी अटैक नहीं आ सकता। एक रोग की दवा है। अब तो मैया फंस गई का, अब तो बजा नहीं पाए। जय हो। देखो भैया इसलिए बजा रहा हूं कि शाम के समय अपनी फोटो अपने मोबाइल पे देख लेना हम कैसे बजा रहे हैं। यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च करोगे शिवकांत आचार्य जी के नाम से, जब आप सर्च करोगे तो आपको अपनी ताली आपके मोबाइल में दिखेगी। इसलिए तालियों को बजाते हुए सारे जग में तेरा ही तो नूर है, सारे जग में तेरा ही तो नूर है, मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा काना मुझसे ही मशहूर है, पद किस्मत है वो तुझसे दूर है, पद किस्मत है वो तुझसे दूर है, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले हो, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, मैं जहां भी रहो परेशाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं परेशाना मिले। से मांगते हुए तेरी पायल और बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल और बंसी यही बजती रहे, जोड़ी प्रीतम प्यारे की देखो सजती रहे, जोड़ी प्रीतम प्यारे की देखो सजती रहे, तेरे रसों पे छाई देखो मस्ती रहे, तेरी रसों पे छाई देखो मस्ती रहे, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज का दीवाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहां भी जय हो दोनों हाथ उठाए लंबे लंबे, मैं जहां भी रहो परेशाना मिले, मैं जहां भी रहो परेशाना। सौरभ भैया कुछ लोग हाथ को नीचे छुपाए इसलिए कि हो सकता किराए के हो, किराए की चीज होती तो डर लगता नहीं फूट जाए लगता ना। अगर देखो भगवान ने अपने दिए, मैंने कल भी कहा था भगवान की नजर बहुत तेज होती है, वो अगर परमात्मा ने हाथ दिए तो दोनों हाथ ऊपर उठा ले, वो अगर नहीं दिए तो दुकाए ऊपर हाथ उठा ले। रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहो परेशाना मिले, मैं जहां भी रहो परेशाना मिले। क्या हो
तेरा परेशान राधे मेरी जान है, तेरा परेशान राधे मेरी जान है, मेरे अरमानों की आन है शान है, मेरे अरमानों की शान है जान है, तेरी शंकर भगवान के कथा कहाँ हो रही थी परीक्षित जी महाराज। अच्छा वकील साहब, इतने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बता दो कितने लोगों को कथा याद है, कौन सा प्रसंग चल रहा था, कहाँ चल रहा था, हाथ उठा के बता। अच्छा कार्तिक महीना में दो कथा होती है, एक तो कात्यानी महामाया महायोगी, दूसरी नंदगोप सुतम देवी। कार्तिक भगवान सुत नहीं है, दीपावली के बाद परवाह। आज भगवान जैसी आज तो सुंदर पकवानों की महक आ रही, तो भगवान ने पैर नहीं धुले और सीधे भोजनालय। मैया यशोदा ने पकड़ लिया, कह दिया कहाँ जा रहे हो, बोल भोजन करना मैया, बोल नहीं माखन मिश्री के लड्डू रखे हुए खा लो, आज नहीं कल। जब इंद्र हेलो जब इंद्र भगवान का पूजन होगा तभी तुमको खाने के लिए मिलेंगे। अच्छा बाबा के पास पहुंचे बाबा, मैया ने पकवानों को बनाया और भोजन नहीं दिया, बोले पकवान खाने के लिए नहीं दे रही है भैया। तो बाबा ने कहा इसलिए कल इंद्र भगवान का पूजन होगा। तो भगवान ने कहा इंद्र कौन है, इंद्र कौन है? नंद बाबा ने कहा बेटा इंद्र को नहीं जानते हो कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघों के राजा। और जब उनका पूजन होता बेटा तब भी खुश होते हैं, जब खुश होते हैं ना तब जल बरसता है, जब जल बरसता है तो पृथ्वी से अनाज होता है, इसलिए इंद्र का पूजन होता। बाबा आज मैं जंगल में जब मैं गया, जब मैं जंगल में गया तो मुझे शेर खाने के लिए आया, तुम जैसे शेर खाने के लिए आया तो वहां पर गोवर्धन जी महाराज आ गए, वो उन्होंने आकर के शेर को समाप्त कर दिया। वो हल से कहा लाला मैं गोकुल वासियों की रक्षा करता हूँ और गोकुल वासी मेरी पूजा नहीं करते, इंद्र का पूजन करते, तो मैंने उनसे कह दिया कि कल तुम्हारा पूजन होगा। बाबा इसलिए उनका पूजन न करके गोवर्धन जी महाराज का पूजन कर दो। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं लाला, मेघों के राजा इंद्र का पूजन हो। भगवान ने कहा बाबा तुमने अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे ही विलीपते, कर्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है, बाबा कर्म करके तो देखो। गोकुलवासी आज नाती तुम्हारा खुआ है, चलो आज खिलाओ, तुम बहुत निर्दयी हो, सब धरे केला देते नहीं सब खाएं चांद का तुम्हें, देखो पंडित जी मां सब केला चपेट में भाई को नहीं दे रहे,
सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान ने कहा, बाबा मैंने उनसे कह दिया, वचन दे दिया कि कल तुम्हारा पूजन होगा। बाबा ने कहा नहीं, इंद्र का पूजन होगा। गोकुलवासी आ गए, तो जैसे ही आ गए गोकुलवासी, ग्वाल वालों ने कहा, बाबा लाला को नहीं जानते हो, लाला जो कहता है वही करो। क्या करें? बोले कल इंद्र का पूजन न करके गोवर्धन जी महाराज का पूजन करो। तैयारियां हो रही, और तैयारियां जैसी हो गई, सकट पे सब कुछ रख लिया, डला डलिया तसला तसलिया सभी लवा लब भर करके चल दिए। कितने लोग गोवर्धन हुआ जरा हाथ उठाए, अभी बहुत कम। दिन में इरादी अदलती बदलते रहते हैं, और गोवर्धन वही जाता है जिन्हें गिरवर बोला। वो आज यही है गोवर्धन, क्योंकि भगवान का हृदय स्वरूप भागवत होता है। जहां पर भागवत होती है भगवान का हृदय है, वो जहां पर भगवान का हृदय होगा वह परकधिया होगा। तो कितने लोग गोवर्धन चलना चाहते जरा हाथ उठाए, और जो चलना चाहते हाथों को वहीं से तालियां बजा करके बस गोवर्धन चल ले। कि मैं तो गोवर्धन को ईमान है मेरो मनवा, मैं तो बिना रेल के धक्का, बिना बस में, बिना टिकट के सभी लोग सफर करेंगे। गोवर्धन भगवान के पावन दरबार में हम सब लोग चल रहे हैं, बड़ी मस्ती के साथ। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, घर की चिंता छोड़ के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। सभी भक्त बड़ी भाव के साथ प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे। पहली बार जब परिक्रमा प्रारंभ होती है, प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुका। दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, श्री राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, तन मन धन चलो चलो सखी गोवर्धन। जय हो श्री राधे। जतिपुरा सुखकारी है, जाने सब की विपदा टारी है। ये जतिपुरा सुखकारी है, जाने सब की विपदा टारी है। हो तालियों की सेवा करते हुए जाको ढूंढेंगे टोल के, जाको ढूंढे श्री राधे राधे बोल
धन महाराज महाराज तेरे माथ मुकुट विराज रहो पे जाकर के पहुंचे हैं। मैया सुदाने क्या किया, एक पट्टा डाल दिया, भैया वकील सब पट्टे को डाल दिया, उस पे थोड़ी अग्नि रख दी और वो वाली पुगा उठा रही जिसकी पुगा की किनारी टाइट। माताओं की आदत होती है नवरात्रि का व्रत करेंगे अपने घर के लिए बना के रखे जाएंगे मैदा जैसी पूड़ी बड़ी और देवी जी पे अठवाई और उसी वो भी ले जाएंगी मंदिर पर तो किनारी जो टाइट होगी उसको लेकर के इतनी ले ली और देवी मैया के मुख में लगा कर होतेल रहे बत्तीसी इनकी बाहर हो जाए। कभी भी मंदिर में जाना भगवान को स्पर्श मत करना, सामने रख दो नेत्र बंद करके भोग लगाओ तो दियम वस्तु गोविंद भगवान ने कहा मैया क्या कर रही हो, बोले पूजन, बोले ऐसे पूजन नहीं हो उनको हो जो सामने आए। अग्नि मुख के द्वारा उस भगवान का पूजन किया जाता है जो सामने ना हो, हमारे गोवर्धन तो सामने है तो आपन पूजे आप ही पूजा में आज स्वयं मुख खुल करके बैठ गए। सभी गोकुलवासी बड़े प्रेम से पूजन कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज पहुंचो, पहले आप पूजन कर लो इसके बाद जिसको करना हो, बड़े किरण से चलता रहे गोवर्धन जी करता रहे, भैया पात्र रख दो वहां पर पुआ के लिए भगवान इत्यादि रख दो, बड़े प्रेम से जाए सभी लोग जिसका पूजन करना हो वो गिरिराज जी का पूजन करता रहे। और आज गोकुलवासियों ने बड़े प्रेम से पूजन करना शुरू कर दिया, सभी गोकुलवासी कर रहे हैं।
आज गोकुलवासी बड़े प्रेम से पूजन कर रहे, सभी गोकुलवासी कर रहे। अरे क्रेन से आप लोग चलती रहे ना, कथा भी होती रहेगी, और जब तक आपका पूजन नहीं हो जाएगा तब तक कथा बंद नहीं होगी, चाहे 8 बज जाए। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे तक राम कथा, इसके बाद में 8 बजे से 10 बजे तक हमारी कौन बहन जी आ रही भैया, पुष्पांजलि दीदी कौन आ रही, 8 बजे से 10 बजे तक हमारी पुष्पांजलि दीदी आप लोगों को श्री राम कथा सुनाएंगी आज रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक, और 7 बजे से 8 बजे तक हमारे जो छतरपुर से आए हैं पंडित जी उनके द्वारा आप लोगों को राम कथा सुनने के लिए मिलेगी। 8 बजे से 10 बजे तक हमारी पुष्पांजलि दीदी के मुखारविंद द्वारा आप लोग राम कथा का आनंद लेंगे। आज गोकुलवासियों ने बड़े प्रेम से पूजन किया तो इतना भगवान ने मुख फैला लिया, सबके डला तसला सब जितने लवाला भत्ते सब खाली कर, और मन सुखा बहुत होशियार उसने क्या किया, एक छबला को तो का करके रख दिया, जी देवता बहुत भुकारू जो सब खाए गए। गोकुलवासियों ने बड़े प्रेम से पूजन किया, पूजन करके जब चलने लगे तो जैसे का कन्हैया बहुत बेकार तुम्हारे देवता हते थे, इंद्र का पूजन होता था तो महीनों पकवान चलते थे, तुम्हारे देवता इतने भुकारू को सब खाए। जैसी बड़े आकाश आवाज आई, ए गोकुलवासी अभी मैं भूखा, मन सुखा बोलो प्राण बचे जेव खाएंगे, सब तो खाली कर दिए तुमने। पुनः आवाज, ए गोकुलवासी जो पीछे सकट जा रहा है उसमें एक छबला छुपा रखा है। मनसुखा ने कहा कन्हैया जितो बड़ो जाको मौत इतनी बड़ी जाकी आंखें, इसने ये भी देख लिया आज ले आया रस्मे जैसी पटका, तो भगवान ने कहा रे गोकुलवासियो गोवर्धन जी महाराज से तुम प्रसाद में मांगो, आज गोकुलवासियों ने जैसे प्रसाद में मांगा तो सभी की तसला डला डलिया सवा लवा लब हो गए। देखो भगवान कितने हैं, 7 साल के, 7 साल के क्या शेर की करैया हो गई, 7 शेर की, 7 शेर की करूं करैया, और गिरिराज जी क्या कोश के, 7 कोश के, सब कुछ 7 में है, क्या क्या, 13, मेरा, 7। अनाज कितने होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन पूजा में कितने आते हैं, गिनती कितने अजानों अनाजों की, 7 की। समुद्र कितने, 7। ऋषि बहुत की होती, 7 की। ब्याह में भावरे क्या गिरती, सब कुछ क्या है, 13, मेरा, 7। इसलिए हमारे कन्हैया 7 कोस के विशाल पर्वत का पूजन करा रहे। आज जैसी पूजन हो गया सभी लबालब हो गए। नारद जी पहुंचे, बड़े प्रेम से करो, आराम से आराम से। गिरिराज जी ये तो बहुत छोटे पर माताओं से निवेदन है, पैकर्मा करके आप हाल एक पैकर्मा लगाओ, 7 नहीं, एक ही पैकर्मा में तुम्हारी 7 मान लीजिए, अपने अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज बड़े इंद्र के पास पहुंचा है नारद। नारद जैसे पहुंचे इंद्र ने कहा जल्दी आ जाती चरणाय गोकुल में, बोले आज पूजन तुम्हारा बंद, आज से बंद हो गया। क्यों, इसलिए सूर्यराज ये भूल जाओ ब्रजनंदन 7 बरस का, और तुम्हें नशा सुरा का अगर तो उसे नशा गोरस का। गोरस में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे गोरस किसे कहते, गोरस में बहुत ताकत होती है। आज जैसे ही मेघों को भेजा तो मेघ आ गए तो वर्षा शुरू हो गई, शक्कर जैसी धारा जैसी पड़ने लगी, थोड़ी देर के बाद मूसला धार गिरने लगी, सभी गोकुलवासी आ गए कन्हैया बचाओ, तो भगवान ने कहा उसी के पास चलो जिसका पूजन किया, तो सभी लोग आ गए। आकर के गिरिराज जी को भगवान ने अपनी कृष्णा उंगली पर धारण कर लिया, देखो शांति बना रखो तो कथा में आनंद आता, नहीं हमें कहती जल्दी हम अपनी आगे बढ़ा देंगे। आज गिरिराज जी को भगवान ने अपनी कृष्णा उंगली पर धारण कर लिया, चुंगन उंगली पर, सभी गोकुलवासियों को नीचे खड़ा कर लिया, सुदर्शन को आदेश दे दिया इतनी तेज चलो कि एक बूंद पृथ्वी पर ना पड़े, शेष नांग की बाउंड्री लगा दी। 7 दिन हो गए, 7 रात्रि हो गई, बारिश बंद नहीं हो रही,
जैसी बंद नहीं हो रही है तो मैया यशोदा ने कहा भैया तनक तनक मिल करो सहारो गिर न पर मनसो का बोलो अलग हो जाओ कन्हैया। तो मैं ये माता जी बिलबिला रही तो हम जानती है कि अकेले गिरिराज जी को धारण करें तो हम धारण कर लें। आज जैसी भगवान ने थोड़ी उंगली टेढ़ी करी लाठी चटा कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। जैसी सातवां दिन हो गया मेघ बंद हो गए पहुंचे वापस इंद्र के पास। ये डोगाल कहां से गिर रही भैया कौन चढ़ गया यार कि बीर गिराए जा रहे इतनी अच्छी बेर नहीं कि डोगाल की किसी को बहन नहीं। इंद्र भगवान बोलो इंद्र भगवान की। आज जैसे ही इंद्र आ गए सुरभि नाम की गाय को लेकर के भगवान बैठे हैं वहीं से सुरभि नाम की गाय ने दूध की धार छोड़ी तो भगवान ने कहा बस बंद करो माती। तो सुरभि नाम की गाय ने इनका नाम गोविंद रख दिया आज से तुम्हारा नाम गोविंद होगा। बोल गोविंद भगवान के। आज इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने कई श्लोकों में प्रार्थना की। इंद्र ने कहा प्रभु पिता गुरुस्तम जगता मधीसो आप ही गुरु हो आप ही मेरे पिता हो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इसके बाद में इंद्र वापिस हो गए हैं। इसके बाद में महाराज की कथा आती। अगर आप शांति रखो तो ठीक नहीं एक भजन हो जाए आरती आप एक लोग भजन सुने। देखो कल कथा को प्रारंभ कर दिया जाएगा कथा कभी समाप्त नहीं होती। कल भगवान की आते आते महाराज की कथा इत्यादि कथा को कहकर के भगवान की विवाह की कथा। अच्छा कितने जरा हाथ उठाए बराती और जिनके हाथ नहीं उठे सब जनाती है ना। जो देखो भैया बराती है भी अपने अब घर से एक एक सीतारामी बनवाए के लिए यो कहे बरात में जा रहे हैं और जो जनाती है भी अपने एसी एक एक एसी खरीद लियो का बिटिया की विदा में देना पड़ता है कहने का तात्पर्य।